जय जय भारत। मैं आपका नाम अरजीत फौजी। दोस्तों चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ 16 नवंबर को जो भर्ती हो रही है टेरिटोरियल आर्मी की, उसमें क्या क्या अपडेट है और क्या क्या इस बार भर्ती में स्पेशल होने वाला है। तो दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी की भर्तियाँ 16 नवंबर के बाद फाइनल हो रही है, तो उसमें रनिंग है और उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर फाइनल मेरिट बनेंगे। तो दोस्तों कई भाइयों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी हाइट इतनी है, हमारा चेस्ट इतना है, तो मैं सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखें, टेरिटोरियल आर्मी में जो पहले रनिंग होती थी वो आठ बजे से रनिंग नहीं है, अभी रनिंग नॉर्मल है, जिसमें 5:20 तक का टाइम दिया जाता है, उस अकॉर्डिंग आप रेस क्वालिफाई कर सकते हैं। इस बार क्योंकि रिटर्न होने की वजह से ज़्यादा बंदे ये रनिंग में पास करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि फिजिकल में आपकी चेस्ट है तो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, 80 है तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। अगर 85 सेंटीमीटर है तो 90 फुलाकर 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपका मेडिकल फिट होना चाहिए, आपकी आँखें, आपके कान नाक सब 6x6 आँखें होनी चाहिए, कान के दोनों पर्दे ठीक होने चाहिए, मतलब आपका मेडिकल रेगुलर आर्मी जैसा ही होता है। उसके बाद में जो मोस्ट चीज़ है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी जो एजुकेशन के सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके अलावा आप करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिट सर्टिफिकेट, 12 वो फोटो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगले दिन आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाता है कि आप चाहिए और आप रिटर्न टेस्ट के लिए जिस भी डेट को आप सेना निर्धारित करती है उस दिन आपको आपको बुलाते हैं, उस दिन आपका रिटर्न टेस्ट होता है। और रिटर्न टेस्ट होने के बाद में आपका जो फाइनल मेरिट बनता है और मेरिट बनने के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है और फिर आपका सफर होता है इंडियन आर्मी का। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।